डीजी मैविक 3 क्लासिक ड्रोन है जिसू पंजाब पुलिस ते बीएसएफ दे जवानां ने सर्च ऑपरेशन दौरान पिंड खालड़ा नेड़े साइड पास अपर बारी डिफेंस नहर तो बरामद कीता है। नशीले पदार्थ दी रिकवरी दे लई सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है ते मामले च दोषियों दी गिरफ्तारी दे लई छापेमारी भी हो रही है। बीओपी पल्लो खालड़ा बैरियर 101 बीएन पीखेवेंट विखे अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ परचा भी दर्ज किया गया है। जिक्रयोग है कि भारत पाकिस्तान सरहद ते लगातार ड्रोन वाली साजिश हुंदी है। अक्सर ही पाकिस्तान दी तरफों भारत दी सरहद अंदर ड्रोन दे जरिए नशीले पदार्थ दी खेप अते हथियार दा जखीरा भेजा जांदा है, पर सरहद ते बीएसएफ दे जवान ते पंजाब पुलिस तैनात है ते ए रिकवरी भी पंजाब पुलिस ते बीएसएफ दे जवानां नूं सांझे सर्च ऑपरेशन दौरान ही मिली है। अज खालड़ा पुलिस स्टेशन दे विच केस रजिस्टर कीता गया, जिस दे विच मैं दसणा चाहांगा कि बीएसएफ दी जिहड़ी बीओपी खालड़ा बैरियर है उन्हां कोल इनफॉर्मेशन आई कि ड्रोन एक्टिविटी हुई है। उन्होंने यदी तुरंत इनफॉर्मेशन SHO खालड़ा नूं दित्ती ते एक सांझा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सांझे सर्च ऑपरेशन दौरान जिहड़ी UBDC कनाल हैगी है जिहनूं अपर बारी डिफेंस कनाल कहिंदे आ, उहदी पटड़ी ते जदों जिहड़ी BSF ते पंजाब पुलिस दी सर्च पार्टी गई ते उन्हां नूं इक जिहड़ा छोटा ड्रोन जिहड़ा DJ मैट्रिक्स हैगा वो बरामद होया। इस संबंधी थाना खालड़ा विखे केस रजिस्टर कर लिया गया ते सर्च ऑपरेशन BSF ते पंजाब पुलिस दा अजे भी जारी है ताकि जिहड़े ड्रग्स की रिकवरी हो सके। मैं दसना चाहूँगा कि बार बार कोशिशां करन दे बावजूद भी जिहड़ियां इस सब डिवीजन दे विच जिला तरन तारण दे विच काफ़ी बरामदगियां हो रही ने, जिथे असी 26 से 27 के करीब ड्रोन फड़ चुके हैं, उत्थे नाल ही अही 50 से 60 किलो के करीब हीरोइन की रिकवरी हो चुकी है। मैं इत्थे वार्निंग देना चाहुंदा हां जिहड़े पाकिस्तान के समगलरां नूं ते साडे जिहड़ियां कालियां भेड़ां इन्हां दे नाल रलियां ने उन्हां नूं कि इहदे विच किसी नूं बख्शिया नहीं जाऊगा। तुसीं वेखोगे कि असीं रोजाना ही जिहड़े जिथे अही ड्रोन ते हीरोइन की रिकवरी कर रहे हैं ते उत्थे जिहड़े इस धंधे दे विच इनवॉल्व व्यक्ति ने उन्हां नूं भी फड़ के असीं जिहड़ा जेलां दे विच भेज रहे हैं। इस संबंधी भी तफ्तीश जारी है, टैक्निकल तरीके नाल तफ्तीश करके जिहड़े हकी दोषी है उन्होंने जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके ते पेश दा